हेलो बेटा, सभी को मेरी वॉइस जा रही है? यस यस मैम। बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो बंद हो गया था, तो दैट्स आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो मेरी वॉइस में तो तुरंत बताइएगा। ओके okay? यस मैम। ओके बेटा, सभी को मेरी वॉइस जा रही है? महक सुन पा रही हैं आप हमें? यस मैम। यस बेटा, तो मीन्स आपको सारे जो कॉमाज हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, सभी समझ पा रहे हैं सभी ना? फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके यस मैम। यस बेटा, तो आफ्टर दैट पॉज आर द क्रूशियल इन स्पीच। बेटा, स्पीच में पॉज होना, रुकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अगर हम स्पीच दे रहे हैं, अगर हम रुकेंगे नहीं, पॉज नहीं करेंगे, समय समय पर स्टॉप नहीं लेंगे, तो हमारा कन्वर्सेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो रीड दिस कन्वर्सेशन अलाउड। इस कन्वर्सेशन को बिना रुके हुए रीड करना है। अरुण बेटा, रीड नाउ दिस कन्वर्सेशन। बेटा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो आपको स्टॉप नहीं होना है, कहीं कहीं पॉज नहीं करना है। अरुण सुन पा रहे हैं? चलिए महक, यू रीड नाउ बेटा। 2 hours later, a friend of William. 2 hours later, a friend of William's who had called with a note for his mother looked up at William's window and caught sight of William's auntie Lily. "Come and play with me, William," she called eagerly. No, beta, "I up. Mehak, can't, stop. I am Stop, Mehak. going to महक bed," स्टॉप said William बेटा, sternly. महक "Why are you आप ill?" "No." बेटा, आप पॉज करके बोल रही हैं, पॉज नहीं करना है, ओनली बोलना ही है। जैसे देखिए, 2 hours लेटर अ फ्रेंड ऑफ विलियम हु हैड कार्ड विथ अ नोट ऑफ हिज मदर लुक्ड अप एट विलियम विंडो एंड कॉट साइट द विलियम आंटी डी हैड कम एंड प्ले विथ मी विलियम सी कॉल्ड ईगरली आई कांट आई एम गोइंग टू बेड सेड द विलियम सडनली व्हाई आर यू इल नो वेल यू आर व्हाई आर यू गोइंग टू बेड देन विलियम लैंड। समझ पा रहे ना? मीन्स कोई पॉज नहीं देना है, पूरा पैसेज पढ़ लेना है। आफ्टर दैट अब क्या देखने को मिल रहा है? As you can see, आप देख सकते हैं, it's become really difficult to read correctly. इसे रीड करना बहुत ही मुश्किल है, करेक्ट रीड करना। आपकी आवाज फंस वन सेकेंड बेटा, बेटा आई होप देखिए जा रही होगी मेरी वाइज। दीपिका, रही है। यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा, तो एज यू कैन सी इट बिकम रियली डिफिकल्ट टू रीड करेक्टली विदाउट पंक्चुएशन मार्क टू गाइड अस। मीन्स बिना पंक्चुएशन मार्क के हम इसे करेक्टली अच्छी तरह से नहीं रीड कर सकते, मुश्किल होगा रीड करना। नाउ लेट अस लुक एट द पैसेज इट्स ओरिजिनल फॉर्म विद द कन्वर्सेशन। पॉज फॉर द शॉर्ट वाइला एवरी कॉमा। अगर कॉमा है तो हमें थोड़ी देर के लिए पॉज होना है, एंड लिटिल लॉन्गर अगर एट द एवरी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब जो कुछ भी मार्क है वहां पर हमें पॉज होते हुए पढ़ना है। तो देखिए, इसी कन्वर्सेशन को सेम सेम कन्वर्सेशन है। यहाँ हमें रुकना नहीं था, मीन्स यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं थी। यहाँ हमें ठहराव देकर चलना है, मीन्स अगर कॉमा है तो थोड़ी देर रुकना है, फुल स्टॉप है तो और देर रुकना है, सेमी कॉलन है तो थोड़ा ज्यादा देर रुकना है। समझ पा रहे हैं ना सभी?
यस मैम। तो अब देखिए इसे कैसे रीड करेंगे, टू आवर्स लेटर अ फ्रेंड ऑफ विलियम्स। बेटा विलियम्स के अपसाइड एक छोटा सा मार्क्स लगा है, ये क्या है, ये किस चीज का मार्क है, क्या डिनोट करता है ये? मैम विलियम्स का मींस इनसे क्या बोलते हैं, एपिस्टॉफी, क्या कहते हैं, एपिस्टॉफी। ओके यस मैम। ये मार्क्स आपका मींस हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो का कहते हैं, विलियम्स का एक फ्रेंड है, बट जब हम इसका ये मार्क पूछते हैं ये कौन सा मार्क्स है, तो इट इज एपिस्टॉफी। ओके यस मैम। Okay. Yes, ma'am. So, 2 hours later, a friend of William's who had called with a note for his mother looked up at William's window and cast sight of the William's and he had come and play with me, William. He called eagerly. मैं सभी समझ पा रहे हैं, जब हमें पॉज करके बोलना है तो हम इसकी अगर सुन करके भी हिंदी क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कन्वर्सेशन हो रही है। समझ पा रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस मैम। यस बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मीन्स आई कांट आई एम गोइंग टू बेड सैड विलियम स्टैनली Why are you ill? No. Well, why you are going to the bed then? William leaned out of the window. I am going to bed, he said, because my father doesn't understand English grammar. What's why? बेटा सभी को समझ में आ रहा है ना? Means यहाँ पर punctuation mark नहीं थी तो हम ऐसे ही पढ़ते चले गए, conversation का पता ही नहीं चला कौन किससे कह रहा है। और जब हमने मार्क को यूज करते हुए पढ़ा, पॉज किया, तो मुझे पता चला कि कन्वर्सेशन में क्या बातें हो रही हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। यस बेटा, अब देखिए आपको करना क्या है, इन पेयर्स आपको भी ऐसे टू पैसेज राइट करने हैं। एक में आप कन्वर्सेशन मार्क राइट, कन्वर्सेशन राइट करेंगे बट पंक्चुएशन मार्क नहीं राइट करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? कहीं किसी बुक से, कहीं मैगजीन से, या फिर अपना ही कोई कन्वर्सेशन आप रेडी किए हो, उसे विदाउट पंक्चुएशन मार्क आपको राइट करना है। और आफ्टर दैट फिर क्या करना है, इन पेयर्स राइट ए पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ राइट करना है इन पेयर्स मीन्स जोड़े में। रिमेम्बर टू इंक्लूड अ कन्वर्सेशन योर पैराग्राफ। अब आपको ये याद रखना है कि आपकी जो आप जो पैराग्राफ राइट करेंगे वो कन्वर्सेशन होगा। मीन्स आप कहीं से भी राइट कर सकते हैं, आप खुद से भी राइट कर सकते हैं, किसी बुक से, कहीं कॉमिक से, कहीं से भी, मीन्स वो कन्वर्सेशन हो। समझ पा रहे हैं सभी? यस मैम। व्हेन यू राइट जब आप राइट कर रहे होंगे, डू नॉट पंचुएट इट, आप इसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे। जब आप राइट करेंगे तो आप पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे। एक्सचेंज योर पैराग्राफ्स विद अनदर पेयर। अब आप फिर से एक और पैराग्राफ, सेम पैराग्राफ, वही पैराग्राफ एक बार और राइट करेंगे। एंड नाउ पंक्चुएट द पैराग्राफ यू हैव रिसीव्ड। अब आपको इस पैराग्राफ में पंचुएट करना है, पंचुएशन मार्क लगानी है। यू हैव रिसीव्ड एंड इट लाउड एट प्रॉपर पॉज, और प्रॉपर पॉज दे करके आपको इसे रीड करना है। जैसे कि मैंने आपको रीड करके बताया, सेम कन्वर्सेशन यहाँ पर भी राइट है, बट यहाँ जब मैंने रीड किया तो मैं लगातार रीड करती गई, मैंने कोई पॉज नहीं दिया। समझ पा रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। एंड जब मैंने सेकंड पैराग्राफ को रीड किया तो मैंने पंचुएट करके पंचुएशन मार्क जहां थी वहां पर मैंने पॉज करते हुए रीड किया, तो मीन्स हमें इस पैसेज का, इस कन्वर्सेशन का मीन्स मालूम हो गया। तो
Listen to your friend as read the conversation. Pay close attention how proper pause makes it much easier to comprehend the passage. अब देखिए कितना इजी है कम्प्रिहेंड मीन्स होता है समझना. बहुत जब हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं पॉज प्रॉपर पॉज यूज करते हैं तो कम्प्रिहेंस करना बहुत ही इजी हो जाता है मीन्स हम बहुत आसानी से पैसेज को समझ लेते हैं. अंडरस्टूड? यस मैम. बेटा एनी प्रॉब्लम कर लेंगे सभी से? यस मैम. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम. नो. अबरल महक दीपिका अरुण प्रिया बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम. कर लेंगे सभी? यस मैम. ओके नेक्स्ट देखिए बुक सी. ओपन बुक सी. बेटा आपने जो प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी जंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना? नो मैम. यस मैम. बेटा इसकी आपने मीनिंग फाइंड कर ली थी? नहीं. मीनिंग सभी को नहीं मिली थी ना? आर्चिक वर्ड की मीनिंग सभी को मिली थी या नहीं? मैम एंड मैम. बोलिए बेटा टेल. नो मैम. नो. चलिए राइट कीजिए. फाइंड आउट द मीनिंग दीज आर्चिक वर्ड. सबसे पहले मीनिंग राइट कीजिए सभी. रेडी हैं? A means no. Yes, ma'am. Yes, बेटा A A Y E meanings इसकी write कीजिए no N O no. Yes, ma'am. After that unknown unknown का write कीजिए unknown U U N K N O W N. Unknown. U N K N O W N. Bitwigs between. Write कीजिए सभी. Bitwigs between. Yes ma'am. Yes बेटा. Nar. Nar का write कीजिए. Non standard. N O N non. S T A N D A R D standard non standard sooth ma'am not a single beta hai. Yes beta ma'am not a single bhi likh sakte hain. Yes beta. After that sooth soft. Sooth correct kijiye soft. राइट किया सभी? सॉफ्ट मैम. राइट किया बेटा? यहाँ पर जो आपने ए का राइट किया है इसे यस राइट कीजिए और जो नो राइट किए हैं वो नाय का नो राइट कीजिए. ओके यहाँ पर एस फर्स्ट का एस होगा एंड यहाँ पर नो होगा. राइट किया? यस मैम. बीसीच का प्रेयर प्रेयर पी आर ए वाई ई आर प्रेयर. हैप्पली हैप्पली का राइट कीजिए परहेप्स. परहेप्स मीन्स शायद. बेटा सभी को वाइस जा रही है?
Yes, yes, perhaps. Right, किया बेटा, perhaps. Yes, ma'am. Yes, बेटा, मारो. Right, कीजिए. The following day. The following day. ये यहाँ राइट कीजिए, फॉलोइंग डे राइट कीजिए. किया सभी ने? यस मैम. यस बेटा, लिस्ट लिस्ट का राइट कीजिए. अवॉइड द रिस्क ऑफ, अवॉइड द रिस्क ऑफ, अवॉइड ए वी ओ आई डी, अवॉइड द रिस्क, आर आई एस के, रिस्क ऑफ Next, Shira ka write kijiye. Used as a term of address. TERM, term of address. सभी को वॉइस जा रही है हमारी? प्रिया, महक सुन पा रही हैं? यस मैम. यस बेटा, नेक्स्ट राइट कीजिए. दाओ मीन्स यू, वाई ओ यू. आर्ट, आर्ट का राइट कीजिए. लर्निंग स्कॉलरशिप, लर्निंग स्कॉलरशिप. लर्निंग स्कॉलरशिप राइट किया बेटा? यस मैम. यस बेटा, डॉस्ट, डॉस्ट का राइट कीजिए. सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ डू, सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ डू मींस डज. समझ पा रहे हैं ना? प्रिया, महक, अरुण, वाइस जा रही सभी को? यस मैम. मैम दोस्त का क्या होगा? बेटा सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ डू राइट किया. यस मैम. का हॉस्ट, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ हैड, सेकंड पर्सन राइट कीजिए. सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ हैव, एच ए वी ई. हैंस, हैंस का राइट कीजिए. फॉर, एफ ओ आर. ओके. यस मैम. फॉर, एफ ओ आर, फॉर मीन्स फॉर मीन्स के लिए, या रीजन भी कह सकती हैं, दिस रीजन. ओके, कर लेंगे सभी? यस मैम. यस बेटा, नेक्स्ट देखिए. प्रोनाउंसिएशन जंक्शन. यूज कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क इन द पैसेज वेयर एवर नेसेसरी. जहां पर जरूरी हो वहां आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है. कर लेंगे? कर लेंगे बेटा? प्रिया, yes, महक, ma'am. सुन पा रहे हैं सभी? यस मैम. बेटा पंक्चुएशन मार्क यूज करना है, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क इन दिस पैसेज. जहां पर जरूरी हो वहां पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फुल कॉमा यूज करना है. कर लेंगे सभी? यस. एनी प्रॉब्लम? नो मैम. तो ये आपका होमवर्क है. मीन्स आप, अगर आपका जैसे आपने ये हैंड्स का नहीं राइट किया है या वॉट एवर या कुछ भी, तो आप इसे कंप्लीट करके और सेंड कीजिएगा जरूर. ओके. यस.
एंड इसे नोटबुक में राइट करेंगे. ओके यस मैम. यस मैम. यस बेटा आज के लिए इतना ही. किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रिया यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? नो मैम. महक अरुण? नो मैम. ओके बेटा आज के लिए बस इतना ही बेटा. गुड बाय एवरीवन. मैम गुड बाय बेटा.